दोस्तों आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें विटामिन्स से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग को याद नहीं होने की वजह से उन सभी क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम को याद करवाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो विटामिन्स होता है यह 6 प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन्स होता क्या है, आखिर यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है तो कैसे है, विटामिन्स कितने प्रकार का होता है और यह कितने भाग में बांटा हुआ है। ओके दोस्तों चलिए तो हम लोग जानते हैं विटामिन्स के बारे में। ओके दोस्तों सबसे पहले बता दें कि विटामिन्स का खोज हॉपकिंस ने किया था, लेकिन वह इसका नामकरण नहीं किया था। नामकरण करने वाला व्यक्ति फंक था, जो 1911 ईस्वी में विटामिन्स का नामकरण कर दिया, जिसके वजह से फंक को विटामिन्स के खोजकर्ता माना जाता है। ओके दोस्तों लेकिन विटामिन्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक है पर यह हमारे शरीर को कभी ऊर्जा नहीं देता है। आखिर क्यों? यह हमारे शरीर के जितना भी जैविक क्रियाओं होता है वह सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन हमारे शरीर को यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ओके दोस्तों अब जानते हैं कि विटामिन्स को कितने वर्ग में बांटा गया है। दोस्तों विटामिन्स को 2 वर्ग में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील विटामिन्स और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन्स। ओके दोस्तों कई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें पूछ देता है कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन सा है और जल में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन सा है। तो इसको हम ऐसे जानेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन्स बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन्स एडेक होता है। एडेक मतलब ADE और के। ओके दोस्तों चलिए तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन्स के रासायनिक नाम कौन कौन सा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी विटामिन्स है वो सभी को एक क्रम के अनुसार हम ट्रिक को बनाए हैं, जो आप एक क्रम के अनुसार सभी विटामिन्स को याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों चलिए तो एक इमेज करते हैं कि आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद किसी से पूछ रहे हैं कि टॉफी का रेट, मतलब टॉफी का रेट पूछ रहे हैं कि टॉफी कैसे केजी है, मतलब इसको आप पूछकर घर पे आए, घर पे बताए हैं कि रेट था 1 किलो टॉफी का। दोस्तों यही मेरा ट्रिक है, रेट था 1 किलो टॉफी का। अब देखिए इसमें सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम आ गया, कैसे, रेट का मतलब हो गया रेटिनल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ओके दोस्तों लेकिन था का मतलब हो गया थायमिन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। और उसके बाद एक रेट था 1 किलो टॉफी का, एक का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किलो का मतलब हो गया दोस्तों कैल्सिफेरॉल, किलो का मतलब हो गया कैल्सिफेरॉल, जो विटामिन डी के रासायनिक नाम होता है। ओके दोस्तों उसके बाद टॉ का मतलब हो गया दोस्तों टॉकीफेरॉल, टॉ का मतलब टॉकीफेरॉल, जो विटामिन्स ई का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद एफ का मतलब होता है दोस्तों फिलोक्यूनन, एफ का मतलब फिलोक्यूनन, जो विटामिन्स के का रासायनिक नाम होता है। ओके दोस्तों चलिए तो हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम को कवर किए हैं। दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में जो विटामिन्स हैं इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है उन सभी रोगों को कवर करें।